हेलो फ्रेंड्स, और देखिए क्वेश्चन समथिंग, कोई एक्स एट गेमिंग करके कोई मेरा सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जो भी हो, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाकई उन्होंने पूछा है। ये क्लास सिक्स का ऐसे है, सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, और यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही टफ भी है और ईजी भी है। आप नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मैं इसमें बताऊंगा वो 100% आपको आपके तरीका का होगा, और एक एक कॉन्सेप्ट मैं इसमें क्लियर करूंगा। आप काइंडली इसको पूरा देखें, और अंत में मैं बहुत सारा इसमें जो डिफरेंस है मैं बताऊंगा। आप एक एक करके देखते जाएंगे किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, और उसके बाद यदि क्वेरी होगा तो आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेरी आएंगे, मुझे विश्वास है, और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जगह ये सॉल्व भी किया हुआ है। लेकिन आप इस चीज को मानकर चलेंगे कि आप देखेंगे कि ये निश्चित रूप से ही सबसे सटीक आपको आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस 2 बिग ब्रैकेट है 2 एंड देन मिडिल एंड देन स्मॉल एंड सो ऑन। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो एक रूल आप देखते हैं, BODMAS। हाँ, एक एक मैं मीनिंग आपको बताऊंगा और कब किसका यूज करना वो देखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट बिफोर ब्रैकेट्स का काम करेंगे। ब्रैकेट में जैसे है, पहले छोटा, फिर मिडिल और फिर बड़ा। तो देखिए सबसे पहले ये छोटा सा ब्रैकेट है, इस पर काम करेंगे 2 माइनस 2 माइनस 2। आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में भी यदि जाएंगे तो देख रहे हैं माइनस 2 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 4 एंड 2। तो और ऐसे में जैसे ये 2 एंड माइनस 2 0 एंड देन माइनस 2, यहां पर आपको बच जाएगा माइनस 2। ये जो है आपका बच जाएगा माइनस 2, बाकी ये 2 एंड 2 ये रह गया इक्वल टू। ये देखिए हमेशा इक्वल टू चलेगा यहां पे, इसको अभी नहीं छुएंगे। 16 डिवाइडेड बाय 4 इसको अभी छूना ही नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। 2 माइनस दिस इज 2, ये देखेंगे ये 2 माइनस ये। अब देखेंगे यहां पे ये 2 है, ये 2 रहेगा, ये देखिए 2 एंड दिस। तो ये और ये ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए 2 माइनस 2 नहीं है, ये एक्चुअली आपको है 2 इंटू माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 4, और यहां पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस दैट इज माइनस इंटू माइनस 4 दैट इज प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2, नॉट मल्टीप्लाई 2, ऑफ 2, दिस इज 2, दिस वन एंड दिस इज 2, और ये जो है 4 प्लस 2 एकदम सीधे सीधे 6, ये हो गया यहां पे। ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2, नॉट मल्टीप्लाई 2, दिस इज 2, एंड ये जो है आपको 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। तो ये आपको जो है 2 और ये माइनस 4, छोटा ब्रैकेट देंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही ब्रैकेट आपको बच गया और एक ही सिंगल ब्रैकेट का यूज करना है, तो कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ता है आपको, यहीं से आपको शुरुआत हो जाएगा। दिस इज 4 ऑफ 2 माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज 8 एंड दिस इज माइनस 8 एंड माइनस 8 दिस इज प्लस 8। अब यहां पर से क्वेश्चन का जो है आपको टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। इस चीज को आप बहुत बेहतर ढंग से देखेंगे, आप ये पार्ट आपको समझना है और यहीं पर जाएंगे। इसको आप दो तरह से सॉल्व करेंगे। आप यहां पर ये कर सकते हैं, देखिए इसको पूरा देखेंगे, मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। 4 दिस इज ऑफ 2 प्लस 8, इसको आप यदि सॉल्व करते हैं, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, हो सकता है वो ऐसा है कि 16 बाय 4 डिवाइड देख रहे हैं यहाँ पे आप, डिवाइड देन मल्टीप्लाई आपके हिसाब से। दिस ऑफ ऑफ मतलब इसको हिंदी में का कहा जाता है, हिंदी में का कहा जाता है, इसका मतलब होता है गुना, लेकिन यहां गुना नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ है, यहां ऑफ लिखा हुआ है। तो यदि आप देखते हैं तो आपके हिसाब से यदि इसके देख रहे हैं तो ये डी और तब मल्टीप्लाई। तो आप यदि इसको करते हैं, पहले डिवाइड 16 में से 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 बचेगा, ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, इस हिसाब से 4 2 और 8 प्लस 8 दैट इज 16 होगा आपके हिसाब से। ये हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, आप इस चीज को याद रखेंगे। यहां पे देखिए इसमें एक बात है, देखिए यहां BODM डिवाइड देन मल्टीप्लाई, बट उससे पहले ऑफ मतलब ऑफ, यदि आपके पास ऑफ लिखा हुआ है तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं सोचेंगे, वो ऑफ ही सोचेंगे, लेकिन आपको उसमें जो जो आपको काम जो ऑपरेशन करना है वो मल्टीप्लीकेशन का ही ऑपरेशन होगा, लेकिन पहले ऑफ का होगा, मल्टीप्लाई का नहीं होगा। इसलिए यहां पर आप 16 ये डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 इसको पहले करेंगे, 4 ऑफ 2 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, दैट इज ये पहले होगा, तो ये होगा 8 एंड देन प्लस 8,
अब ये डिवाइड पहले आएगा, देन एडिशन होगा, तो ये जब इसको करेंगे 16 को 8 से, तो ये हो जाएगा 2 एंड देन प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 10 आंसर। ये आपको 100% ये रूल जो है ये सही होगा, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, ऑफ जो है वो ऑपरेशन उसका मल्टीप्लाई के रूप में किया जाता है, लेकिन ऑफ का पहले काम होता है देन मल्टीप्लीकेशन, वो बाद की बात है। तो यदि आपके पास डिवाइड और ऑफ दोनों है, तो आप डिवाइड को पहले नहीं करेंगे, आप ऑफ को करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये आपका 100% सही होगा आंसर, मेरे ख्याल से इसको समझ गए, खासकर X8 गेमिंग। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, और यदि इस तरह का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से बार बार पूछेंगे। थैंक यू सो मच।